दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ग्रामर का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक कवर करने जा रहा हूं जिसका नाम है मॉडल। दोस्तों इसको समझने से पहले हम लोगों को वर्ब को समझना होगा। हाँ जी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को तो वर्ब का मतलब भी नहीं पता, तो मैं उनको पहले वर्ब का मतलब समझाऊंगा, उसके बाद जाकर के ये मॉडल्स को समझाऊंगा। दोस्तों वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम करना। वर्ब का मतलब ही होता है क्रिया। हिंदी में इसका मतलब होता है क्रिया, खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना कुछ भी करना वर्ब है। जैसे सुनना, सुनना एक वर्ब है, क्रिया है, काम है, तो इसको क्या बोलेंगे सुनने को, लिसन। अब दोस्तों ये लिसन जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। आपने वर्ब की फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म का नाम सुना होगा, तो इस वक्त ये लिसन जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। लिसन की सेकंड फॉर्म होती है लिसन और थर्ड फॉर्म भी होती है लिसन। अब अगर हमको कोई बोले कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाओ, तो हम कैसे लगाएंगे? लिसन के आगे ing लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? लिसनिंग। तो ये चीज हो गई वर्ब। ये दोस्तों जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये सीखने की चीज़ें हैं, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया क्योंकि ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं मॉडल, वो भी सेंटेंस में एक वर्ब की तरह यूज़ होता है, एक क्रिया की तरह यूज़ होता है। अब वर्ब को रख दो थोड़ी देर के लिए साइड में, अभी हम लोग मॉडल पर चर्चा करते हैं। दोस्तों मॉडल वर्ब की तरह तो यूज़ होते हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए? मैं आपको बताता हूँ, कमांड देने के लिए। कमांड का मतलब किसी को ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन देने के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज़ करते हैं। मैं अपने हिसाब से बताऊं तो इंग्लिश ग्रामर में मॉडल को समझना सबसे आसान चीज़ है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मॉडल होते कौन कौन से हैं। तो दोस्तों शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड और ऑट टू। और क्योंकि ये वर्ब की तरह काम में लिए जाते हैं तो इनको हम मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि ये कैसे और कहाँ यूज़ होते हैं, आप साथ में बने रहिए। अब कोई भी सेंटेंस हम दोस्तों बोलें, जैसे यू डू दिस, तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि इस सिंपल से सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया अगर हम कोई काम करते हैं तो उसको वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे डू, डू क्या है? काम करना, तो ये डू यहाँ पे वर्ब है। तो मॉडल हमेशा वर्ब के पहले लगता है, ये चीज़ याद रख लो, ये पहला नियम है, इसको याद रख लेना। कोई भी मॉडल हो हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे मस्ट वाला मॉडल रख देते हैं, तो ये सेंटेंस बन जाएगा यू मस्ट डू दिस। तो पहला नियम आप लोगों को आई होप याद हो गया होगा कि मॉडल को हमेशा वर्ब के पहले रखा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मॉडल का यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों ये इस वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले किसी को कमांड देने के लिए हम लोग, कमांड देने का मतलब आदेश देना होता है, किसी को ऑर्डर देना एक तरह से, उसके लिए हम लोग किस किस मॉडल का यूज़ करते हैं? तो दोस्तों तीन टाइप के मॉडल का यूज़ होता है कमांड देने के लिए, मस्ट, शैल और विल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, तो स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पर कमांड दी कि स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पर क्या कहा कि स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म में आना ही होगा। इसी तरह से दोस्तों शैल वाले मॉडल का यूज़ भी कमांड देने के लिए किया जाता है, लेकिन कोई ऑफिशियल कमांड शो करने के लिए, कोई कानूनी कमांड को शो करने के लिए हम लोग शैल वाले मॉडल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, मतलब यहाँ पे मैंने एक तरह से अपनी कमांड को शो किया कि स्टेट को क्या करना चाहिए, बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। मैंने कमांड दी लेकिन अपनी कमांड में कोई दबाव नहीं दिया, मैंने सिर्फ कमांड को शो किया। तो कोई ऑफिशियल कमांड को शो करने के लिए हम लोग शैल वाले मॉडल का यूज़ करते हैं। वैसे ही दोस्तों इस विल का यूज़ भी कमांड देने के लिए किया जाता है, लेकिन शांति से, एकदम पोलाइटली, विनम्र तरीके से कमांड देने के लिए। यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM, तो ये भी मैंने कमांड दी लेकिन बहुत पोलाइटली। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आया दोस्तों कि कमांड तो दी जा रही है, इन तीनों के अंदर कमांड दी जा रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कमांड का मतलब हम लोग धौंस से ही कमांड दें। हम लोग उस कमांड को एडवाइस के रूप में दे सकते हैं, पोलाइटली दे सकते हैं, विनम्र होकर के। नेक्स्ट है दोस्तों रिक्वेस्ट करने के लिए किस किस मॉडल का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग कैन, कुड, विल, वुड और मे।
इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग कमांड अलग अलग तरीके से देते हैं, तो रिक्वेस्ट भी हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कोई ज़्यादा ही ज़रूरी रिक्वेस्ट करनी हो तो हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैन आई हैव वन ग्लास वाटर। और अगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो और पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो, बहुत ही विनम्र होकर के रिक्वेस्ट करनी हो, तो हम लोग कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें किसी की हेल्प मांगनी हो तो हम कैसे बोलेंगे, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। अब दोस्तों, कुड से थोड़े कम लेवल की रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग विल का यूज़ करते हैं। जैसे विल यू डू दिस फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों वुड भी रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम जूस, इसका लेवल जो होता है वो कुड से तो थोड़ा कम होता है लेकिन विल से ज़्यादा होता है। अब मैं कैसे लेवल बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट करने का भी अलग अलग तरीका होता है दोस्तों। जैसा कि हमको मालूम है, ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट करनी हो किसी से तो मे का यूज़ होता है, जैसे मे आई सी मिस्टर गुप्ता या फिर मे आई कम इन मैडम। तो हमको क्या समझ में आया कि रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग इन सारे मॉडल्स का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि परमिशन लेने के लिए कौन कौन से मॉडल्स का यूज़ होता है। तो दोस्तों, परमिशन लेने के लिए कैन, कुड और मे, इन तीनों का यूज़ होता है। जैसे कैन आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। कुड आई यूज़ इट नाउ, क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अब। या फिर मे आई कम इन, तो मे का भी यूज़ हो गया परमिशन लेने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कौन कौन से मॉडल्स का यूज़ करते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शुड और टू, सारे मॉडल्स का यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी यानी कि नॉर्मल संभावना के लिए हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, ये हो गई नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। वास्तव में अगर किसी बात की संभावना हो तो उसके लिए हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। जैसे द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, मतलब रोड ब्लॉक हो सकती है। अगर प्रोबेबिलिटी, अगर संभावना फैक्ट बेस्ड हो तो मे का यूज़ होता है दोस्तों। जैसे द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे बी रेन, कि बादल काले हैं तो बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी फैक्ट बेस्ड है, मतलब बादल अगर काले होंगे तो संभावना पूरी है कि बारिश होगी। कभी कभार ही ऐसा होता है जब बादल काले हों और बारिश नहीं होती, तो यहाँ पर मे का यूज़ सही किया गया है। द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे बी रेन। ऐसे ही दोस्तों बाकी मॉडल्स का भी यूज़ किया जाएगा पॉसिबिलिटी बताने के लिए, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए। ऐसे ही दोस्तों हम किसी को एडवाइस देने के लिए भी मॉडल्स का यूज़ करते हैं। चार टाइप के मॉडल्स का यूज़ करते हैं, शुड, ऑट टू, मस्ट और बाकी के हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। तो इस टाइप के सारे मॉडल्स का यूज़ हम लोग करते हैं एडवाइस देने के लिए किसी को। जैसे यू शुड वर्क हार्ड फॉर बेस्ट मार्क्स, यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स, यू मस्ट रीड इट बिकॉज इट इज़ वंडरफुल, या फिर स्टूडेंट्स हैव टू टेक एग्जामिनेशंस। तो इस तरह से हम लोग एडवाइस देने के लिए इन सारे मॉडल्स का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको बताई मॉडल्स की बहुत ही बेसिक सी चीज़ कि कौन से मॉडल का यूज़ कैसे किया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें मॉडल पूरी तरीके से आ गए। इसको हमें आगे भी समझना है, इस पर और वीडियोज़ बनेगी, एक आध और वीडियोज़ बनेगी। अब वो वीडियो बनेगी या नहीं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आप लोग इस वीडियो को रेटिंग दोगे लाइक करके, उसी हिसाब से मैं इस पर अगली वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।